मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आपके लिए स्पेशल स्कीम शुरू की है, उसका क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, PMSSS। वो क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। ये जो स्कीम है ये सिर्फ कौन से बच्चों की, इसके लिए सिर्फ GNK स्टेट के बच्चों के लिए शुरू की गई है, ठीक है, और किसी भी स्टेट में ये स्कीम लागू नहीं होती। ये सिर्फ किसके लिए है? जो GNK में रहने वाले बच्चे हैं और साथ में जो GNK में पढ़ रहे हैं। अगर कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि जैसे कि बाहर किसी स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं तो उन बच्चों को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये स्कीम है क्या, इसमें जब बच्चा 12th कर लेता है, मोस्टली क्या होता है 12th के बाद ही आप लोग प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो या आगे हायर स्टडीज के लिए भी आपने क्या कॉलेजेस में जाना होता है, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या है कि आपने जब 12th पास किया आपका जो मेरिट रहेगा, ठीक है, जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसमें 12th में, सिर्फ उसी को देखा जाता है। इसमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, जैसे आपने अगर उसमें इंजीनियरिंग, अच्छे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन लेनी हो तो क्या होता है, जैसे AIEEE हो गया, फिर IIT के लिए एग्ज़ाम जो होते हैं, होता है ना, तो इसके लिए आपको कोई भी और टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो आपने मार्क्स स्कोर करोगे 12th में, ठीक है, सिर्फ उसी का मेरिट आपका देखा जाएगा। एक ये है, दूसरा आपका है, एक मैंने आपको ये बता दिया कि जो बच्चा है वो GNK में ही पढ़ता होना चाहिए, किसी बाहर दूसरी स्टेट में वो, मतलब जो 12th उसके पास होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए, GNK स्टेट से ही पास होनी चाहिए। साथ में उसका जो आधार कार्ड है वो बना हुआ होना चाहिए, उसके पास GNK स्टेट का स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में उसके जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है वो उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों का अभी तक स्टेट सब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, जैसे आप लोग 10th में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कल को आने के 2 साल में, यदि आप स्टेट सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको बनने में टाइम लगता है। तो जिन बच्चों का स्टेट सब्जेक्ट नहीं बना हुआ है वो अभी से अपने स्टेट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में कोई इनकम सर्टिफिकेट। इसमें ये है कि जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ फादर की इनकम नहीं, ये पूरी फैमिली इनकम आएगी। कहीं आपके घर लैंड वगैरह है, एग्रीकल्चर लैंड है, किसी भी सोर्स से आपको जो इनकम आ रही है वो भी इसमें यूज की जाएगी। और ये जो सर्टिफिकेट हमें कौन देता है, जो तहसीलदार आपके एरिया के होंगे वो देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप किसी के लिए चीज़ें दिए सर्टिफिकेट नहीं आएंगे, किसी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोई कैटेगरी में फॉल करता है तो उसको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बना के रखना है। इस स्कीम में क्या होता है कि 12th के बाद जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, लेकिन जो आपको कॉलेज अलाट होगा वो GNK में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, आउट ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब ये जो कॉलेजेस आपको अलाट किए जाएंगे ये GNK के बाहर होंगे, ठीक है, चाहे पठानकोट जैसे पंजाब में आ जाता है, हो सकता है वो कॉलेज कहाँ होंगे पंजाब में। उसमें क्या होता है कि जो कॉलेजेस आपको दिए जाते हैं, जो आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है उसको आपने क्या करना चाहिए, और जितने भी ये कॉलेजेस हैं वो किसके अंदर आते हैं, AICTE के अंदर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंडर आते हैं, और ये सारे बेस्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर इसमें ऐसे एंट्रेंस के थ्रू आपको टेस्ट लेना हो, जनरल कैटेगरी में अगर एंट्रेंस के थ्रू आपको टेस्ट लेना हो तो वहाँ पे एडमिशन पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको आसानी से उन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकती है, ठीक है। और इस स्कीम में क्या है कि जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो उसके बाद का जो पूरा खर्चा है वो आपको कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। आपके पेरेंट्स को एक भी पैसा आपके ऊपर खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो रहने का वहाँ पे खर्चा है, जहाँ भी हॉस्टल में आप रह रहे हो, जो आपकी बुक्स का खर्चा है, जो आपके खाने का खर्चा है, वो सारा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट जो होगी वो आपके अकाउंट में डाल देगी। तो आपको कैसा लग रहा है, स्कीम कैसी है, अच्छी है कि नहीं? और ये सिर्फ GNK के बच्चों के लिए है और किसी भी स्टेट के बच्चों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो आपने कोशिश करनी है, अभी आप बच्चे 10th में हो, लेकिन अभी आपके भाई बहनों ने किसी ने 12th के पेपर तो दिए होंगे ना, जो अभी जो 12th क्लास अभी निकलेगी है ना, कोई भाई जिनके भाई बहन 12th में जिन्होंने पेपर लिया हुआ है, तो आपने बच्चे घर में अपने भाई बहनों को बताना है, ठीक है। अभी इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है 9th of May तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रही है। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होती है, ऐसे फॉर्म नहीं भरा जाता, ठीक है। तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो और जो बच्चा मेरिट में फॉल करेगा उसको इसमें एडमिशन मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, हर मतलब बच्चों की कोशिश होनी चाहिए कि स्कीम का बेनिफिट लें। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फैमिली इनकम कितनी रखी गई है, 8 लाख,
40 लाख के भी ऊपर है वो लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, जबकि उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई बिजनेस मैन वगैरह है तो वो इनकम सर्टिफिकेट अपना 8 लाख से कम का दे देते हैं, वो इसका बेनिफिट देते हैं, लेकिन इसके जो सही बेनिफिट होता है कौन होने चाहिए, आप लोग होने चाहिए कि नहीं। तो ठीक, आपने अच्छे से मेहनत करी है, अपने भाई बहनों को बताओ उन्होंने 12th का बेनिफिट दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, कोशिश करो कि इन कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। और अब आपके सामने जो बोलने वाले हैं वो कना शक्ति के कौन है, प्रिंसिपल, क्या नाम है उनका? हाँ, पिंकी। ठीक है, वो आपके द्वारा आपको मुखातिब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी मंत्रा मैडम ने आपको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताया, तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा और रोशनी डालना चाहूँगी कि ये स्कीम इस वक्त कौन अप्लाई कर सकता है, कौन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर मतलब 2018 में जिन्होंने 12th का पेपर दिया था उनका रिजल्ट निकल चुका है, उन्होंने आगे भी एडमिशन ली होंगी, और जो बच्चे इस साल जिन्होंने 12th का पेपर दिया है लेकिन उनका अभी रिजल्ट नहीं निकला है तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बच्चे मैरिट के बारे में जैसे मैडम ने बताया, अगर जनरल कोई बच्चा इन कॉलेजेस में, ये कॉलेजेस जो हैं ऑल इंडिया लेवल की जो टॉप रैंकिंग में आते हैं, जैसे हैदराबाद जो कॉलेज है रैंकिंग 2 में आता है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के बड़े बड़े जो हैं ITI कॉलेजेस जो हैं जिनमें बच्चों को 90% के अबव एडमिशन मिलती है इंजीनियरिंग में, या अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले तो आपको ग्रेजुएशन के लिए ही जाना पड़ेगा आफ्टर 12th, तो ग्रेजुएशन के लिए BSc, BCom, BCA या BA आर्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हो, इंजीनियरिंग में आप टेक्निकल BTech में जा सकते हो, मैकेनिकल में जा सकते हो, सिविल में जा सकते हो, किसी में भी जा सकते हो, BSc नर्सिंग का भी इसमें स्कोप है। तो इन ये जो कॉलेजेस हैं टॉप ऑफ दी कॉलेजेस, इसमें हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर 60% भी मार्क्स आएंगे, कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा बच्चों, तो ये बच्चे जो हैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर तो भी आपके बच्चों के अभी आएंगे नंबर, लेकिन इन कॉलेजेस की जो फीस है जो इंजीनियरिंग लेवल की फ़ी है वो 1.25 लाख फीस है इन कॉलेजेस की, जो मतलब टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, हर एक में 5-5 सीटें हैं, टोटल हमारे 5000 सीटें होती हैं, 5000 GNPA के बच्चों के लिए, किसी और स्टेट के लिए नहीं, क्योंकि हमारी स्टेट को जो है स्पेशल अधिकार है, हमारी स्टेट को बच्चों को सब कुछ स्पेशल मिलता है, तो इसीलिए इन बच्चों के लिए कि ये बच्चे बाहर जाके अपने आप को उनको एक्सपोजर मिले, इनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट मिले, वो ये बच्चे जो है बढ़ते हुए देश के साथ आगे बढ़ सके, इंटरनेशनल लेवल तक जा सके। तो हमारी ही स्टेट का एक बच्चा जो है वो इस वक्त जो है USA में PG कर रहा है, और एक बच्चा जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, इस वक्त काफ़ी सारे बच्चे हैं तो वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक्सेल कर रहा है, MA उर्दू कर रहा है, लेकिन वहाँ भी वो एक्सेल कर रहा है, कहने लगे कि वहाँ पे वो टॉप चल रहा है, वहाँ पे वो मेरिट में आ रहा है। तो हमारे बच्चे जैसे हमारी ये जो है सरकार हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो ये हमारी जो है ये दिल्ली के जो AICTE वाले हैं और जो हमारी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके लिए पूरी स्टेट में जो है सेमिनार कर रहे हैं, पूरी स्टेट में अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, तो हमारे भी प्रिंसिपल और हेडमास्टर लेवल पे 2 अवेयरनेस कैंप हो चुके हैं, और हमें ये कहा गया है कि आप सभी बच्चों को, सभी लोकेलिटी को, गाँव वालों को बुलाएं स्कूलों में जो है इस बात की अवेयरनेस करें कि जो 5000 सीटें हैं जो हमारे गरीब बच्चे ले सकते हैं, लेकिन कौन ले रहा है, जो जिनकी इनकम ज़्यादा है वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो फायदा लेगा, क्योंकि जहाँ हमारी स्टेट में कुछ लैक्यूना है, पैसे दे दिला के क्या करते हैं तहसीलदार से, वो बिजनेस मैन है वो बना लेते हैं कि हमारी 8 लाख की, लेकिन बच्चे आप लोग तो उस कैटेगरी में आते हो, तो आपके लिए इसके लिए बताया मैंने इंजीनियरिंग की 1.25 लाख की फी, और जो ग्रेजुएशन की है
इन कॉलेजेस की फीस है 30,000 पर ईयर करती है एनुअल फी एक साल की, जितने साल का कोर्स होगा हर साल गवर्नमेंट फीस पे करेगी। लेकिन किसी भी आपने कोर्स में जाना है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में चाहे वो इंजीनियरिंग लेवल के कोर्स में, तो 1,00,000 रुपया आपका रहने का, किताबों का और खाने का, वो अलग से हर साल मिलेगा आपको जब तक आप वहाँ पे पढ़ाई करते हो। तो मतलब किसी भी जाओ, मतलब 1,25,000 वालों के लिए भी, जिनकी ट्यूशन फीस 1,25,000 है और जिनकी 30,000 है ट्यूशन फी, 1,00,000 रुपया सभी को खाने का पीने का रहने का बराबर मिलेगा। अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहता है मेडिकल स्ट्रीम में, MBBS में या BDS में, तो उसके लिए क्या है, उसको पहले नीट क्लियर करना पड़ेगा। अगर नीट वो क्लियर करता है तो उसके बाद वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन है। लेना कौन से है, ये कॉलेज जो रिकमेंड किए गए हैं ऑनलाइन, वो सारे कॉलेज आ जाते हैं। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे वो सारे कॉलेज वहाँ पे शो होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बच्चों को क्या करना, हमारे बच्चे क्या करते हैं, 5-6 सिलेक्टेड कॉलेज जो हैं वो टिक करते हैं। तो जो टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं हमारे स्टेट में, तो मेरिट होगा जो टॉप मोस्ट, जिनके 70-80% होंगे, उन्होंने भी अच्छे कॉलेज जो है सारे ही अच्छे, इन्होंने टॉप मोस्ट कॉलेज ही नहीं है। लेकिन पांच बच्चे उसी कॉलेज को टिक करेंगे जिसके 70%, मान लो मैं कहती हूँ हाईएस्ट तुम्हारे 70% है, तो 70% वाले को कॉलेज मिल गया, वो कॉलेज तो आप लोगों से डिलीट हो गया ना, वो दूसरे को थोड़ी अलाट होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके पास 100, उन्होंने तो 400 कॉलेज, 500, 600 कॉलेज दिए होंगे, 5,000 कॉलेज दिए होंगे, आपने सिर्फ कौन से टिक करने, 100 आपसे चाहे था, आप 100 कॉलेज जो है टिक कीजिए, कहीं ना कहीं आप फॉल कर जाओगे। डायरेक्ट 50-60% वाले बच्चे, 60% वाले बच्चे हमारे होते हैं। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे स्टेट के जो बच्चे हैं वो 5,000 तक भी स्कॉलरशिप अवेयर नहीं करते, क्योंकि वो करते ही नहीं, गलतियाँ कहाँ रह जाती है। फॉर्म भरेंगे पिछले साल 25,000, लेकिन ओनली 2,300, मतलब 2,300 बच्चे ही स्कॉलरशिप का आनंद ले सके, वो पढ़ रहे हैं बाहर। सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ किया है, कमेटीज बनाई हैं, नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं, जो बच्चों के पास बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। पहले जब उन्होंने जाके देखा बच्चों, कुछ बच्चे जो पढ़ाई छोड़ गए क्योंकि उनके पास जो पैसे इंस्टॉलमेंट में भेजते थे 1,00,000 रुपया, 50,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 50,000 दूसरी इंस्टॉलमेंट में, कुछ बच्चों का जो था अकाउंट ही वैलिड नहीं होता था, किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है, किसी ने दूसरे का अकाउंट दे दिया, तो इस तरह के पैसे नहीं। इसलिए अब क्या किया सरकार ने कि जैसा ही बच्चा एडमिशन लेगा, ऑनलाइन उसकी होगी, अपलोड हो गया एडमिशन ले लिया, तो 20,000 उसके अकाउंट में पहले महीने ही आ जाएंगे, और आफ्टर दैट हर महीने जो है 10,000 रुपया करके उनके अकाउंट में आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 8 महीने 9 महीने में हो जाएगा ना 1,00,000 रुपये, क्योंकि पहले महीने 20,000 आ गया, तो बाकी आ जाएगा 8 महीने आपका 10,000, ताकि बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है जी बच्चे, और ये है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है बाहर बच्चे काफ़ी साइबर कैफे में हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को फिर पता नहीं चलता, बच्चे बाहर साइबर कैफे में जाते हैं, वो अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं, तो बच्चों से जो है फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। बच्चे की ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, उसे अपनी ये ईमेल आईडी देनी है। आप अपने बच्चे अपने घरों में, आप क्या है सभी के पास मोबाइल्स हैं, उसमें एक अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, वही ईमेल आईडी उनको अगर बाहर से भी आप काम करवाते हैं। वैसे तो उन्होंने स्कूलों में कहा कि ICT लैब्स है तो हम बच्चों को कॉपरेट करें, बच्चों का फॉर्म हम यहाँ से स्कूलों से भर के दें हमें, लेकिन हमारे पास भी बच्चों देखो हमारे पास जहाँ तो अगर लैब्स नहीं हुई तो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही दिया हुआ, कहीं हमारे पास सीनियर असिस्टेंट नहीं है, जूनियर असिस्टेंट नहीं है, काम करने वाले नहीं है। अगर स्टाफ है तो स्टाफ बड़ी मुश्किल से क्लासों को पढ़ा पाता है, बड़ी मुश्किल जो है हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन साल होती है कि नहीं कर पाते इसका, लेकिन फिर भी बच्चे अगर आपको किसी को पूछना है, ये आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों को अपनी लोकेलिटी में सभी स्टाफ मेंबर जो सुन रहे हैं, तो ये अपने अपने रिश्तेदारों को विलेज में कोई भी मिलता है तो उसको स्कीम के बारे में बताओ कि हमारे बच्चे अगर 2,300 पिछले बार गए हैं सिर्फ, बाकी सारे स्कॉलरशिप से महदूद रह गए, इट मीन्स 50-60% वाले जा सकते थे इसमें। और बच्चों आप लोगों ने जाना है जिनकी एनुअल इनकम कम है, 8,00,000 से
साइबर कैफे में भी आओगे तो आधे घंटे। आज आप सबको सुनाओ, अगर कोई बच्चा अवेल करना चाहता है तो जैसे मैम ने बताया इसमें आपको क्या चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट चाहिए और आपको पास किया होना चाहिए जम्मू कश्मीर के किसी भी स्कूल से, चाहे वो CBSE के अंदर आ रहा है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। तो इतना मैं आपको प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताया आपको। अब बच्चों मैं आपसे कुछ क्वेरी जानना चाहती हूँ, तो आज मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन पे आई हूँ कि बच्चे जो है को करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है काफ़ी कुछ बच्चों के लिए प्लान किया है, एक तो फर्स्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है, उसकी काफ़ी एक्टिविटीज होती है। कहीं मुझे बताएगा बच्चा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल में आपको क्या करवाया गया इस महीने? भाई बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल की कोई भी एक्टिविटी बता दो। बच्चे तो ने करवाया नहीं को कौन सी एक्टिविटी करवाई है बताओ ना। बच्चे कोई भी बच्चे बताए शाबाश। और कुछ चल रहा है हमारा लीगल लिटरेसी क्लब, क्या कुछ बच्चे हैं इस क्लब के मेंबर, लीगल लिटरेसी क्लब के मेंबर है कोई बच्चा? आगे एक कल्चरल सेल भी बनाया गया बच्चों पिछले दिनों में ही, कल्चरल सेल जिसमें आपकी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। रितु मैडम चलो मेरी रितु मैडम रितु मैडम अभी एक आया है पंचायत लेवल प्रोटेक्शन कमेटी। हाँ पंचायत लेवल प्रोटेक्शन कमेटी, उसमें हमारे दो स्टूडेंट के नाम आ रहे थे बनाए हुए बस कर बंद कर देते ना हो गया।